राम राम सभी साथियों को। और आज हम बात करने वाले PDUSU यूनिवर्सिटी सीकर। अगर आपने इसी वर्ष सेशन 2023-24 में नया एडमिशन लिया या फिर पुराना एडमिशन है, सेकेंड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, और यूजी या फिर पीजी दोनों कोई भी हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफी सारे सवाल है आपके मन में आ रहे हैं कि इनके जो प्रथम सेमेस्टर है, नया सेमेस्टर सिस्टम लागू हो चुका है, तो प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम है वो कब होगा, और इनके लिए एग्जाम फॉर्म है वो कब स्टार्ट होंगे, सेकेंड ईयर के कब स्टार्ट होंगे, फाइनल ईयर के कब होंगे, तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आज है वो बहुत बड़ी अपडेट है, वो आ चुकी है आप सभी के लिए, तो एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना। इस वीडियो के अलावा आपको और भी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत है वो नहीं पड़ेगी। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम कोई भी हो, सेकेंड ईयर हो, फर्स्ट ईयर हो, फाइनल ईयर हो, ठीक है, सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। इस वीडियो को आपको अंत तक है वो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा PDUSU सीकर 2023-24 नया एडमिशन है या फिर पुराना है, ठीक है। बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर की भी बात करेंगे, एमए, एमएससी, एमकॉम न्यू एडमिशन या उनकी भी हम आप बात है वो करेंगे, चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो या फिर प्राइवेट स्टूडेंट हो, ठीक है। अब आपका क्या हो चुका है, सेमेस्टर सिस्टम लागू हो चुका है। जो सेकेंड ईयर है, फाइनल ईयर, उनका तो साल में एक बार एग्जाम होगा, उनको तो कोई भी टेंशन है वो नहीं है, ठीक है, उनका तो साल में एक बार होगा। और जो एमए, एमएससी, एमकॉम इनके फाइनल ईयर है ना स्टूडेंट, उनके भी कोई भी टेंशन है वो नहीं, क्योंकि उनके भी जो कि साल में एक बार एग्जाम होगा, ठीक है, जो कि जून, मई जून में होता है, ठीक है, वही होगा, ठीक है। बाकी ये प्रथम सेमेस्टर है उनके नहीं होगा। जो नए एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर न्यू एडमिशन है इनके एमए, एमएससी, एमकॉम में, उनके लिए सेमेस्टर सिस्टम है वो लागू हो चुका है। और अब क्या होगा, इनके हर छः महीने में, हर छः महीने में एक एग्जाम है वो होगा, ठीक है। एक थोड़ा छोटा होगा, एक 20% का होगा और एक 80% का होगा। जो मेन एग्जाम है 80% वो आपका मई जून में है वो होगा, और जो 20% का है जो कि आपका प्रथम सेमेस्टर है, ये एग्जाम कब होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। थोड़ा थोड़ा जो कि छोटे छोटे जानते हैं वो सभी बता रहा हूँ मैं पहले। देखो सबसे पहले आप फर्स्ट ईयर में नया एडमिशन लिया, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, उनको ट्रेंस नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनके प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, ये दो एग्जाम होंगे इस साल। हर छह महीने में एक एग्जाम होगा, फिर सेकेंड ईयर में आगे तो तृतीय सेमेस्टर आपका होगा, फिर चतुर्थ सेमेस्टर होगा, ठीक है, और फिर फाइनल ईयर में आगे पंचम सेमेस्टर और षष्ठम सेमेस्टर, मतलब छह सेमेस्टर हैं आपके एग्जाम हो गए। हर छह महीने में एक एग्जाम है वो होगा। पहले क्या होता था, पहले तीन एग्जाम होते थे, मतलब तीन साल में हर साल एक एग्जाम, तो तीन साल होती थी, बी ए, बी एस सी, बी कॉम कोई भी करो, तो तीन साल होती थी, तो तीन एग्जाम होते थे, ईयरली एग्जाम होता, मतलब हर साल एक एग्जाम होता था। लेकिन अब क्या होगा, छह एग्जाम हो गए, तीन साल में आपको छह एग्जाम है वो देने पड़ेंगे, और पहले ये एग्जाम देना जरूरी है, प्रथम सेमेस्टर है वो देना जरूरी है, तभी आप मुख्य परीक्षा जो जो कि ईयरली एग्जाम होता है 80% का होता है वो आपका दे पाओगे, वरना ये भी आप नहीं दे पाओगे, तो ये आपको देना है, बिल्कुल जरूरी है, अनिवार्य है। उसके बाद इसमें क्या क्या होगा मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है, प्रथम सेमेस्टर में क्या पूछेंगे आपको मैं बता दूंगा आगे। और द्वितीय सेमेस्टर है वो तो आपका होता है, इसमें तो हर साल आपको बताएं हम सीरीज लेकर आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं और वो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं, हम आराम से पास है वो हो जाते हैं, 80% भी बना सकते हैं कितने भी, ठीक है, और जितने अच्छे पढ़े सीरीज को उतना है वो फायदा होगा, ठीक है। तो अब हम बात करें प्रथम सेमेस्टर की, क्या पढ़ना है वो भी बताऊंगा मैं आपको आगे, ठीक है, और एग्जाम डेट है वो क्या रहने वाली, एग्जाम फॉर्म है कब स्टार्ट होंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, एम एम एस सी, एम कॉम सभी के, तो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम फॉर्म है वो आपके, देखो जो प्रथम सेमेस्टर है इनके क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है बी ओ, बी एस, बी कॉम, इनके क्या होगा, जल्दी स्टार्ट होगा, क्योंकि इनके परीक्षाएं वो जल्दी होगी, साल में दो बार परीक्षा होगी, तो सबसे पहले इस बार क्या होगा, फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम फॉर्म है वो स्टार्ट होंगे। जी हाँ स्टूडेंट, एग्जाम फॉर्म है वो स्टार्ट होंगे, ठीक है, एग्जाम फॉर्म है वो कब स्टार्ट होंगे, तो नवंबर, नवंबर के अंतिम सप्ताह में आपके स्टार्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नवंबर के अंतिम सप्ताह में आपके शुरू है वो हो जाएंगे, और इस समय आप अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। तो आप सोचोगे भाई कि हमारे साल में दो बार एग्जाम होंगे, तो दो बार एग्जाम फॉर्म है वो भरने पड़ेंगे क्या, हाँ बिल्कुल दो बार एग्जाम फॉर्म है वो भरने पड़ेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी आपको राहत है वो दे सकती है, क्योंकि अब 7 नवंबर को एक बैठक होगी, उसमें बहुत बड़े निर्णय है वो लिए जाएंगे। आज तो 6 नवंबर है, कल ही 7 नवंबर को बैठक है होगी, और बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि भाई सेमेस्टर एग्जाम किस प्रकार होना है, क्या रखना है इसमें, कितना सिलेबस है वो रखना है, ठीक है। और ज्यादातर यूनिवर्सिटी में ऐसा ही हुआ है कि सिलेबस तो पूरा रहता है, ठीक है, और एमसीक्यू पर आधारित है वो प्रथम सेमेस्टर परीक्षा है वो होती है, और 7 नवंबर को बैठक होगी। और हालांकि एग्जाम है वो पहले बता दिया है कि एग्जाम है वो आपका कब होगा, ठीक है, और जो कि एग्जाम फॉर्म है फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए नवंबर के अंतिम सप्ताह में स्टार्ट होंगे, और उसके बाद सेकेंड ईयर है
सेकेंड ईयर हैं, फाइनल ईयर हैं उनके वो स्टार्ट होंगे, या फिर एम ए एम एस सी एम कॉम फाइनल ईयर हैं उनके स्टार्ट होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के और बी ए बी एम ए एम एस सी एम कॉम जो कि नए एडमिशन लिया उनके स्टार्ट होंगे, उसके बाद सेकेंड ईयर फाइनल ईयर और उनके वो स्टार्ट होंगे नवंबर के अंतिम सप्ताह में, तो इनके चलेंगे। ठीक है, आई होप अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि एग्जाम फॉर्म कब स्टार्ट होंगे और एग्जाम डेट है वो क्या है। एग्जाम डेट में आपको बता देता हूँ, एग्जाम डेट है आपकी दिसंबर, जो फर्स्ट सेमेस्टर है प्रथम सेमेस्टर है एमए वाले हो और साथ में हो गए ज्यादातर, और दिसंबर दिसंबर का जो अंतिम सप्ताह ना या तो उस समय हो गए और या फिर जनवरी में हो गए, ये दो चांस हैं वो इसमें हैं। और ये न्यूज़पेपर में आपको साइड में बता दूंगा, न्यूज़पेपर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह और जनवरी जनवरी में आपके एग्जाम है वो संभावित है। ठीक है, क्योंकि बीच में आपके चुनाव है वो आ गए हैं, और उसके बाद देखो भाई फीस वगैरह कम होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि ये सेमेस्टर सिस्टम है वो लागू हो चुका है, तो फीस है वो शायद कम कर सकते हैं, 7 नंबर को बैठक होगी उसमें पता चल जाएगा कि फीस है वो क्या रहेंगी। और एक बात बता देता हूँ, आप सभी स्टूडेंट ने अगर ABCID नहीं बनाई तो ABCID बना लेना, ABCID के बिना आप एग्जाम फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। ठीक है, तो ABCID जरूर बना लेना, चाहे आप सेकेंड ईयर में हो या फिर फाइनल ईयर में हो, चाहे नए नए एडमिशन हो, कोई भी हो, सभी स्टूडेंट को बनाना है वो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है ABCID। ठीक है, और ABCID के बिना एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाओगे, अगर एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरोगे तो आपका जो एग्जाम है वो होगा ही नहीं, एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ABCID हो बनाना बिल्कुल जरूरी है। तो साथियों अब हम बात करूंगा कि इसमें समस्या है वो क्या आ रही, अभी तक है वो स्टार्ट क्यों नहीं हुए एग्जाम फॉर्म, तो मैं आपको बता देता हूँ 7 नंबर को बैठक है वो होगी और इससे पहले हो जाते एग्जाम फॉर्म स्टार्ट, लेकिन आपको क्या बताऊं कि जो समस्या है वो आ रही है चुनाव। ठीक है, अभी आपको बताएं चुनाव है, विधानसभा चुनाव है वो आने वाले स्टार्ट होने वाले, तो क्या होगा जो यूनिवर्सिटी है या फिर स्कूल भी मान लीजिएगा, कोई सारे स्कूल हैं या फिर कोई भी नौकरी मान लीजिएगा, जो सरकारी कर्मचारी हैं अधिकतर हैं वो चुनाव में लगे रहते हैं, उनकी ड्यूटी है चुनाव में है वो लगा दी गई हैं। ठीक है, जो भी और ठीक है, और उसके बाद है 7 नंबर को बैठे हुए, इसमें क्या क्या निर्णय लिया जाएगा मैं आपको बता दूँ, एग्जाम की तैयारी है वो की जाएगी, एग्जाम किस प्रकार से है वो करवाई जाएगा प्रथम सेमेस्टर का, उसके बाद एग्जाम फॉर्म है कब से स्टार्ट है वो किया जाए, ये भी निर्णय है वो इसमें दिया जाएगा, सेकेंड ईयर है फाइनल ईयर है। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में आपके जो प्रथम सेमेस्टर है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है या फिर जो कि एम एम एस सी एम कॉम इन्होंने नया एडमिशन दिया उनके भी है ना नवंबर के अंतिम सप्ताह में स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद है सेकेंड ईयर है फाइनल ईयर है उसके बाद स्टार्ट होंगे, तो इनके है ना लगभग है दिसंबर के दूसरे सप्ताह में स्टार्ट है वो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एग्जाम है वो दिसंबर या फिर अंतिम सप्ताह या फिर जनवरी में होगा। ठीक है, किनके ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है जो नया एडमिशन लिया है, ठीक है, सेमेस्टर सिस्टम लागू हो चुका उनके लिए। ठीक है, और बाकी जो कि 80% है ना सर, 80% है किसके अंक जुड़ेंगे, जो दूसरा सेमेस्टर होगा जो कि मुख्य परीक्षा होगी उसे जुड़ेंगे, और जो कि 20% अंक है वो केवल प्रथम सेमेस्टर के अंक वो जुड़ेंगे। ठीक है, और इसमें MCQ होगा क्या होगा वो बाद में पता चलेगा, अभी है हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं किस प्रकार एग्जाम है वो होगा। ठीक है, और 7 नंबर को बैठे होगी उसमें हम बता देंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो एक बात है आपको कि जो कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, क्या है टेलीग्राम ग्रुप है ग्रोथ शिक्षा, उसको है जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जैसे ही आपकी कोई न्यूज़ आ जाती है PDUSU यूनिवर्सिटी से संबंधित तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, और ये जो न्यूज़ आई है आज की वो भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।